सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो टू माई ऑल व्यूअर्स फर्स्ट, बिकॉज यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स फॉर मी इन द वर्ल्ड एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम वैशाली बघेल और आई विल, एज यू नो, आई विल टॉक टू यू कंप्यूटर एज वेल एज SST। तो आज लेकिन हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट्स में हमें ये बताते रहिए कि हमारी वीडियो जो हैं वो कैसी आ रही हैं, मतलब उनका कंटेंट आपको कैसा लग रहा है और उनका जो मतलब टीचर्स हमारे हैं उनका पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। एज़ यू आई टोल्ड यू दैट हमारे टीचर्स जो हैं एक स्टाफ बन चुका है, एक ग्रुप बन चुका है जो आपको ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उनका कॉन्टेंट बहुत अच्छा है। तो ये कंटेंट हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है, पर सबसे मेन आप लोग हैं तो आप लोग भी बताते रहिए कि कंटेंट कैसा लग रहा है आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे हैंडमेड खुद के नोट है, स्कूल के नोट्स हैं। तो बाइनरी अर्थमेटिक का मीन्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेट मी चेंज द कलर जिससे आपको और बेटर समझ में आए। सो ओके, देखिए बाइनरी अर्थमेटिक का मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ। बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी मीन्स टू एंड अर्थमेटिक मीन्स मैथ। ओके, अर्थमेटिक मीन्स मैथ्स, ठीक। तो हम लोग आज यहाँ बाइनरी एडिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाइनरी एडिशन। पहले हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि क्या है, देखते हैं रूल्स को। पहला रूल बोलता है 1 + 0 = 1, ठीक। सेकेंड रूल हमारा बोलता है 0 + 1 = 1। थर्ड रूल हमारा बोलता है 0 + 0 = 0। एंड फोर्थ रूल हमारा थोड़ा बड़ा बोलता है क्या, 1 + 1 = 0। पहले हम इसको रीड करते हैं, 0 with 1 carry, बिकॉज वेन वी एड 1 + 1 = 2 एंड बाइनरी ऑफ 2 is 1 0, देन इट इज़ 0 with 1 carry। आइए इसको नेक्स्ट पेज पर थोड़ा समझते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या है। हमें फर्स्ट रूल जो बोला गया है वो बोला गया 1 + 0 = 1, ठीक। ये कैसे हुआ? ये बहुत ईजी है। देखिए, हम जब डेसिमल में इन दोनों को ऐड करते तो भी हमारे पास यही रिजल्ट आता कि नहीं। अब हमें बाइनरी में क्या करना है, बाइनरी में इनकी वैल्यूज़ ही तो ऐड करनी है। तो जब डेसिमल में इसको ऐड करने के बाद यही आ रहा है, जब डेसिमल में ऐड करने के बाद 1 + 1 + 0 को ऐड करने के बाद 1 ही आ रहा है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि बाइनरी में भी इसको ऐड जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी ना, वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, तो वहाँ पर भी वही आएगा। अब हमारे पास सेकेंड रूल क्या बोलता है, सेकेंड रूल बोलता है 0 + 1 = 1। भाई जब 1 + 0 = 1 है तो 0 + 1 = 1 ही होगा, ये तो बहुत ईजी रूल है। थर्ड रूल तो और भी ईजी है, दैट 0 + 0 = 0। ये दुनिया का कोई भी, मतलब कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इस बात को नहीं बता सकता दैट 0 + 0 = 0, चाहे कोई भी डेसिमल फॉर्म हो, चाहे बाइनरी फॉर्म हो या हेक्साडेसिमल हो या ऑक्टल नंबर सिस्टम हो, कोई भी नंबर सिस्टम हो, बट 0 + 0 is always remain 0। क्या? दैट 0 + 0 is always remain 2 0। अब हमने फोर्थ रूल पे बढ़ते हैं आगे, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रूल्स तो एज अ, मतलब आपको फॉर्मल ड्यूटीज़ के लिए बताए जाते हैं, पर जो मेन इम्पॉर्टेंट रूल है वो फोर्थ रूल है। ये एग्ज़ाम्स में जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मोस्टली 3 या 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, ठीक। तो हमारा फोर्थ रूल है कि आखिर 1 + 1 = 0 प्लस क्या हो गया यहाँ पे, 1 carry। मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा और 1 carry आ जाएगी, 1 carry आ जाएगी। कैसे? देखिए, इस बात को समझिए, जब हम डेसिमल में, इस बात को नोट कर लीजिए, जब हम डेसिमल में क्या करेंगे, 1 + 1 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 होता है।
ठीक है। अगर आपने बाइनरी कैसे निकालते हैं, जैसे 2 का बाइनरी मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी वो तो ये समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ, ये तो समझ गए। लेकिन जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो यही सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। तो इस इशू को ना क्रिएट करने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी चैनल पर जाइए और बाइनरी अरिथमेटिक इंट्रोडक्शन आपकी बाइनरी अरिथमेटिक इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब हम डेसिमल में भी 1+1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 का बाइनरी कितना होता है, 10। इतना हमने समझ लिया। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, 9, 4 रैंडम कोई नंबर है और 8 और 6, ठीक, ये कोई हम नंबर प्लस कर रहे हैं। अब हम जब 6 और 4 को प्लस करेंगे, जब हम 6 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन हम यहाँ पूरा 10 तो नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं और विद 1 कैरी लिखते हैं, ये तो बात सबको पता है। फिर 9+8 कितना देगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, देखिए, अच्छा इसको यहाँ से सिंपल करिए, 9 और 8 आपका 17 हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। लेकिन आप पूरा 18 अगर यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कोई और डिजिट होती, यहाँ पे मान लो 1 होता और यहाँ पे 2 होता, तो आप पूरा 18 तो यहाँ नहीं लिखते, पूरा 18 यहाँ ना लिखते ना, यहाँ पे इसको 18 को रिवर्स कर देते और यहाँ 1 कैरी दे देते फिर से। तो 2+1+3+1 4 3 4 18 यहाँ पे होता पूरा, होता कि नहीं, ये तो बहुत ईजी है, ये तो हमें सबको पता ही है, ठीक है, इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं। वही जो डेसिमल में होता है, जो डेसिमल में होता है वही हमें किस में करना है, वही हमें बाइनरी में भी करना है। तो हमें बाइनरी में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बाइनरी में हमें 1+1 कितना पता है, हमें 1+1 2 पता है, 2 का बाइनरी 10। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1+1 क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और यहाँ पे विद यहाँ पे लिखेंगे 1 कैरी, ठीक, विद 1 क्या लिखेंगे, यहाँ विद 1 कैरी, ठीक। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, ठीक। तो एक बार फिर से ये रूल समझ लीजिए, क्या है, 1+1 इज इक्वल्स टू 0 विद 1 कैरी, विद 1 कैरी, ठीक, ये हमारा रूल बोलता है, कैसे बोलता है समझते हैं। देखिए अगर हम इस बात को डेसिमल में कहेंगे तो क्या होगा हमारा, अगर हम 1 और 1 को प्लस करते हैं तो हमारा मिलता है 2, ठीक, 2 का बाइनरी क्या होता है, 10, 10 2 का बाइनरी होता है। अगर आपको ये बाइनरी नहीं समझ में आया कैसे आया, ये यहाँ पे कैसे आ गया, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाइए तुरंत देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने 2 का बाइनरी कितना निकलिया, यहाँ पे 10, ठीक। तो बाइनरी जब निकलिया तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, ठीक, 2 डिजिट्स हैं। अब जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में मान लो हमारे पास 98 है और यहाँ पे 64 है, ठीक, हमने जब इन लोगों को ऐड किया तो यहाँ पे 8 और 4, ये 8 और 4 मिलकर कितना बनाएंगे, 12 बनाएंगे। लेकिन हम नोट कितना करेंगे, सिर्फ 2 नोट करेंगे, 1 को हम कहाँ डाल देंगे, 1 को हम डाल देंगे कैरी में, तो 1 यहाँ कैरी में चला गया, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, अरे पूरा चला गया, ये तो 9, ठीक। अब हम 1 को कहाँ डाल देंगे, 1 को हम डाल देंगे कैरी में, ठीक, यहाँ हमने 2 नोट कर दिया, अब 1 को हमने कहाँ डाल दिया, कैरी में। अब हम जब इसको ऐड करेंगे 6 और 1 7 और 9 और 7 16, ठीक, यहाँ हम पूरा नोट कर देंगे क्योंकि हमारे पास आगे कोई डिजिट नहीं है, ठीक, यहाँ हमारे पास कोई आगे डिजिट नहीं है, अगर आगे कोई डिजिट होता तो हम केवल यहाँ पे 6 नोट करते, 1 को फिर से कैरी में दे देते, ठीक। तो वही हमें जो हम डेसिमल में करते आ रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में करते आ रहे हैं, वही हमें कहाँ करना है, वही हमें यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम में भी करना है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे करना है, आइए समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जिनको जल्दी समझ में आ गया उनके लिए बहुत सारे कंग्रेचुलेशन, ठीक। तो 1+1 हमारा कितना होता है, 2 होता है,
टू का बाइनरी कितना होता है? 10। हम 10 पूरा नोट नहीं करेंगे, हम कितना नोट करेंगे? केवल 0 को नोट करेंगे, और 1 को हम कहाँ डाल देंगे? कैरी में। ठीक, 1 को कहाँ डाल देंगे हम? कैरी में। तो होप सो आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको थ्योरी ना समझ में आए, कुछ बच्चे प्रैक्टिकल होते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ओके, एग्जांपल्स कर लेते हैं, एग्जांपल्स। ठीक, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं दैट 10101 और यहाँ पे लेते हैं 11011। ठीक, ये हमने एग्जांपल ले लिया। लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो 1+, ये 1+1 कितना हो जाएगा? 1+1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का बाइनरी होता क्या है? 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरी। ठीक, अब 0+1 तो 1 ही रहेगा। ठीक, तो अब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं, 1 और 1 को ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 0, फिर से विद 1 कैरी। अब फिर से ये और ये तो 1 ही बना लेंगे, अब इस 1 को और इस 1 को हम ऐड करते हैं, 1 और 1 को ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 0 विद 1 कैरी। फिर से ये 1 हो जाएगा, और हम इस 1 को और इस 1 को ऐड करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 1 और इस 1 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 0 विद 1 कैरी। अब देखो यहाँ मामला फंसा। अब यहाँ मामला क्या फंसा? यहाँ पे 1, 2 और 3 1 है। मामला उनके लिए फंसा जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो आसानी से चुटकियों में कर लेंगे। क्या है? 1+1+1 है, इसको हम डेसिमल में क्या लिखते हैं? 3, और 3 का बाइनरी 11। सिंपल इज दैट, सो सिंपल। अगर यहाँ पे आगे कोई और डिजिट होती तो हम क्या करते? 1 को नोट करते, इसको हम कहाँ डाल देते? कैरी में डाल देते। इसको हम कहाँ डालते? कैरी में डालते। तो हम यहाँ क्या पूरा नोट कर देंगे? 1 1 पूरा 1 1 नोट कर देंगे। यहाँ हम क्या नोट कर देंगे? पूरा 1 1। ठीक, तो अगर आपको इस एक एग्जांपल से समझ में ना आया हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, ओके, क्योंकि एग्जांपल्स आर मस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ओनली एक्सेप्शनल फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सच एज SST। ओके, तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं 11010। ठीक, और 01101। ठीक, मुझे पहले से कोई क्वेश्चन याद नहीं है, मैं ऑन द स्पॉट बना रही हूँ। ठीक, तो 0+1, लेट मी चेंज द पेन। ओके, तो 0+1 हमारा यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, तो ये 0 और 1 को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। फिर से 1 और 0 को जब ऐड करेंगे तो हमारा फिर से 1 रहेगा। फिर से 1 और 0 को ऐड करेंगे, फिर से 1 रहेगा। अब यहाँ पे आया 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 विद 1 कैरी। मैं बार बार इतना नहीं बताऊँगी, पूरा रूल बताऊँ। ठीक, मैंने रूल 2 बार एक्सप्लेन कर दिया और एक एग्जांपल भी पहले दे चुकी हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग भी डायरेक्ट करना सीखें। अब फिर से यहाँ पे 1 और 1 आ गया, क्योंकि 1 और 0 को हम ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर से 1 और 1 आ गया तो यहाँ पे कर जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा? 0 विद 1 कैरी, 0 विद 1 कैरी। अब कैरी हम दें किसको? अब यहाँ पे जो हमारी 1 कैरी आई है, जो 1 कैरी आई है, वो हम आगे किसको प्रोसीड करें जब आगे कोई डिजिट ही नहीं है? तो हम यहाँ पे पूरा नोट कर देंगे। ठीक, ये हम पूरा नोट कर देंगे। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए मैंने एक ही मेथड आपको समझाया केवल बाइनरी एडिशन का, ताकि आप लोग ज़्यादा बर्डन ना मतलब फील करें उसको, क्योंकि आप ज़्यादा बर्डन फील करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक, तो मैंने केवल बाइनरी एडिशन समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी सबट्रैक्शन की बात करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप होमवर्क ज़रूर करिएगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ठीक, ये क्योंकि आप करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदा है, मेरे लिए आप कुछ नहीं करोगे। ठीक, तो मैं 2 क्वेश्चन मोस्ट मतलब बस आपको 2 ही क्वेश्चन दूँगी जो कि आपको मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, और अगर आप अपने आंसर पर मतलब आपको कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस है क्या? होना चाहिए, आपको अपने आंसर पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और नहीं क्लियर है तो आप टीचर या जो भी आपको पढ़ा रहा है उससे 10 बार पूछो। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, 1 1 0 1 1 0। ठीक, और यहाँ पे 1 1 0 1 0 1। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन है, और सेकेंड क्वेश्चन ऑफ योर्स इज 1 1 1 1 1। ठीक, 5 टाइम 1 0 1 0 1
वन, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग ये सॉल्व कर ले, वैसे तो मैं सभी बच्चों को यही सलाह दूंगी कि आप लोग को ये सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि तो बहुत आप अगर इनको सॉल्व कर लेंगे तो अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने सबसे लार्जेस्ट डिजिट के आपको दिए हैं। तो सॉल्व करिएगा और कमेंट में फिर आप मुझसे आंसर ले सकते हैं। सो थैंक यू।